नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 डेज फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। जी दोस्तों, 7 डेज फ्रॉड लोन एप्लीकेशन किस प्रकार से आपसे जो है कि हरेसमेंट करती है, किस प्रकार से आपके साथ में यहाँ पर जो कि फ्रॉड करती है, स्कैम करती है, उनका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा। अगर आप जो है कि यहाँ से लोन अप्लाई करने के सोच रहे हैं या फिर आप जो है कि ऑलरेडी यहाँ से फंस चुके हैं तो आपको जो है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ए टू जेड सॉल्यूशन लेके बताऊंगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर फंस चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जो कि देख लेना, अदरवाइज आपके साथ में यहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है। तो चलो बढ़ते वीडियो में आगे, कि वहाँ पर मैं आपको जो कि ए टू जेड यहाँ पर टोटल आपको डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो है कि आपने इसमें अप्लाई कर दिया है और उसके बाद में आपको जो कि लोन भी यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, जितना भी लोन आपको मिला है यहाँ पर, 7 डेज लोन एप्लीकेशन जितनी भी होती है वो सारी की सारी फेक होती है, कोई भी NBFC अप्रूव्ड नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है कि लोन तो वो प्रोवाइड कर देगी, बट यहाँ पर 7 दिन तो कभी कभी यहाँ पर आपको 3 दिन में ही यहाँ पर 3 गुना यहाँ से आप जो है कि लोन चार्ज करती है। यहाँ पर जो है कि कभी कोई सी एप्लीकेशन आपसे 7 दिन का टाइम दे देती है, उसके बाद में आपसे जो है कि लोन चार्ज यहाँ पर 3 गुना करती है। ठीक है, और उसके बाद में आप जो है कि पे नहीं कर पाते हैं या फिर अदरवाइज आप जो कि गलती से पे भी कर देते हैं तब भी आपके साथ में हरेस कर सकते हैं। तो आपको जो है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं यहाँ पर जो है कि आपको इसमें बताऊंगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, या फिर आपको जो है कि कौन कौन से स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जो है कि मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आपको जो है कि यहाँ से अप्लाई कर दिया आपने और आप जो है कि इसमें फंस चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर लोन मिल चुका है, आपके अकाउंट में आ भी गया है और आपसे ये जो है कि 3 दिन के बाद ही बोल रहे हैं, या फिर मान के चलिए 7 दिन के बाद ही आपसे बोल रहे हैं कि आप जो है कि इतना पेमेंट हमें दीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर 3,000 का पेमेंट उन्होंने दिया और आपसे वो मांग रहे हैं 9-10 हज़ार रुपये। तो आपको यहाँ पर इन केस में आपको जो है कि क्या करना है, इस केस में आपको जो है कि कोई भी पेमेंट इनको नहीं करना है, अदरवाइज आप जो है कि उल्टा फंस जाएंगे। ठीक है, इनको आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। और वो रही बात आपसे जो है कि जैसे ही ये 7 दिन के अंदर अंदर आपसे बात स्टार्ट कर दे, तो सबसे पहली बात तो आपको जो है कि इनका कोई भी जवाब नहीं देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है कि जैसे आपको लग चुका है कि हम फंस चुके हैं इसमें, तो आपको मैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ, आपको इनका कोई भी जवाब नहीं देना है। आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपने व्हाट्सअप में यहाँ पर जो है कि लास्ट सीन हटा दिया, ऑनलाइन का हटा दिया, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद में वो जो लोन वाले रहते हैं उनको आपको जो सबसे पहले ब्लॉक भी कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रू कॉलर में। ट्रू कॉलर में जाने के बाद में आपको इस प्रकार की सेटिंग जाएगी, उसमें नीचे जाना है, आपको जो है अनसेव नंबर ब्लॉक का आ जाएगा, उस पर आपको ऑप्शन इनेबल कर देना है। ठीक है, इनेबल करने के बाद में आपको जो है कि यहाँ पर रिलैक्स हो जाना है, क्योंकि अब आपके पास में जो भी अननोन नंबर रहेगा उसका कॉल नहीं आएगा। बट आपको इतना सा ध्यान में रखना है कि जो अपने लोन में नंबर दिए हैं और आपके ट्रू कॉलर का नंबर सेम होना चाहिए, तभी जाके आपने इतना कर लिया। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको जो है कि यहाँ पर आपकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनको सारे को प्राइवेट करना है। न्यू जो भी आपको रिक्वेस्ट आएगी उनको किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है, अदरवाइज आपके जो भी फॉलोवर हैं उनको वो मैसेज करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर जो कि आपसे बोलते हैं वो, अगर ये बात जब बोल पाते हैं जब आप उनसे बात स्टार्ट कर देते हैं। चलो मान के चलते आपने उनसे बात स्टार्ट कर दी है, ठीक है, बात स्टार्ट कर दी आपने, आपसे वो जो है कि डराएंगे, आपको धमकाएंगे कि हम जो है कि आपके ट्रू कॉल मतलब कि आपके नंबर पर कॉल करेंगे, उनको बताएंगे कि आप जो है कि ऐसा ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपको हरेस करेंगे, आपकी जो भी सोशल मीडिया से कोई भी फोटो ला के आपके जो है कि आपको भेजेंगे, वो बोलेंगे कि हम जो है कि वायरल कर देंगे आपको फोटो, देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है कि आपको हरेसमेंट करते हैं। यानी कि कोई मेरे पास में बहुत सारे बंदे ऐसे आते हैं जिनके साथ में ये हो चुका है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जो है मजबूरी में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि और मेरे भाई जो आप हैं उनको यहाँ पर जो है कि ये सब कुछ झेलना ना पड़े। ठीक है, तो इनसे किस प्रकार से बचना है, आपके पास में ये जो कि फ़ोटो भेज दिया, उसके बाद में आपको जो है कि इनको बोलना है कि आपको जो हो वो करो। ठीक है, ये मैं हूँ ही नहीं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो है कि फेक डॉक्यूमेंट्स और सारे फेक यहाँ पर जो फेक लोन लेने के लिए ये सब कुछ फॉलो किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है उनको, और उसके बाद में जो कि ब्लॉक करके पटक देना है, इतना सा बताने के बाद में। इसके बाद में आपको जो कि मैंने जो बताया सोशल मीडिया सब कुछ कर देना है। 100 बात की एक बात, आपको जो है कि अगर इनसे बचना है तो 15 दिनों तक आपका जो कि फ़ोन बंद कर देना, सिम बंद कर देना हो सके तो। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो कि सारी झंझट खत्म हो जाएगी 15 दिन के अंदर अंदर। अगर आपने जो कि इनसे बात करना स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली आपको जो कि इतना ज़्यादा ये मेंटली हरेस करेंगे कि आप जो है कि इनसे परेशान हो जाएंगे, यहाँ तक कि लोग मेरे साथ जो भी बात करते हैं वो यहाँ पर मरने तक की बोलते हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं ऐसा मत करो भाई, अब ऐसा ये आप उनको मैं जो कि सॉल्यूशन बताता हूँ कि भाई तुम इतना ऐसा ऐसे स्टेप लो, आपको जो है कि पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उन भाइयों ने ऐसा ही किया जैसे मैंने बताया था, और आज वो जो है कि खुश है। ठीक है, उनके पास में यहाँ पर जो है कि कोई भी मैसेज नहीं आता है, कोई भी कॉल नहीं आता है। तो आपको ये सारी स्टेप फॉलो करना है।
और जो कि फिफ्थ या फोर्थ स्टेप यह आएगा, आपको बता दूं मैं, आपको यहाँ पर साइबर क्राइम पर यहाँ जो कंप्लेंट कर देना है, FIR कर देना है। साइबर क्राइम जो है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कि cybercrime.gov.in पर आपको जाना है, यहाँ पर आपको जो है कि कंप्लेन कर देना है, ठीक है। अदरवाइज दूसरी भी एप्लीकेशन है, दूसरी भी वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये सब कुछ उनको लिख के यहाँ पर आपके पास में रख लेना है कॉपी, अदरवाइज या फिर आप जो है कि सारे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको ये कॉपी भेज देना है कि ये देख लीजिए मैं फंस चुका था, किस प्रकार कैसे फंस चुका था। यहाँ पर जो कि मैं क्रेडिट कार्ड या कुछ भी यहाँ पर अप्लाई कर रहा था, मेरे पास में ऑफर आया था, लोन का मत बताना अदरवाइज आपकी इमेज खराब होगी। अब बताना कि क्रेडिट कार्ड मैं बना रहा था, अप्लाई कर रहा था, तो वहाँ पर जो है कि थर्ड पार्टी ये जो कि फेक वेबसाइट थी, उन्होंने मेरा डाटा चुरा लिया और मुझे यहाँ पर जो है कि हरेस कर रहे वो, तो ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ में। तो इस प्रकार से आपको जो है कंप्लेंट में लिखना है और इस प्रकार से सबको बताना है। आपको डरना नहीं है, पूरा सॉल्यूशन आपको जो है कि मिल जाएगा, ठीक है। ये सब कर लेंगे आपके पास में पूरा झंझट खत्म हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप प्लीज़ ट्रस्ट मी, ऐसा करके देखिए आपका पूरा झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया ये सारी स्टेप आपको फॉलो करना है। आपके पास में जो भी ये फोटो वगैरह भेजते हैं ये सारे आपको जो है कि ना इनकार करना है कि नहीं हमारे है ही नहीं है, और मैं जो है कि सारे फेक यूज़ करता हूँ और मैंने जो है कि फेक लोन लेने के लिए ही दूसरे का ये यूज़ किया है, ठीक है। तो ये सारी आपको जो है कि यूज़ करने के बाद में आपको रिलैक्स हो जाना है और जो है कि आप जो जो मैंने सेटिंग बताई वो सारे आपको अप्लाई कर देना है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में सब पूछ लेना, या फिर आप जो है कि टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलता हूँ किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।